किसको कॉल कर रहे हो? आकू को। हाय बिट्टू, अच्छा बाथरूम के लिए उठना पड़ेगा मेरे को। आकू बाथरूम बाथटब नहीं है, बाथटब नहीं है उसका मुद्दा उतना ही रहता है। बस अभी हम लोग खाना खाएंगे। Hey darlings, welcome back to our channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shaq and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love. आज हम कहाँ हैं वो आपको जतिन शाह बताएंगे। कहाँ हैं हम? हम लोग हैं शेड्यूल में। ट्रिप करते करते हम लोग पहुंचे अभी शेड्यूल और शेड्यूल से कल हम निकलेंगे रायपुर के लिए। मैं सुबह सुबह 10 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ और फाइनली हम लोग होटल रूम में। होटल रूम देख के जेन्युइनली बहुत खुशी हुई। मुझे लगा नहीं था कि शेड्यूल में इतना अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी हम लोगों को, बिकॉज एक्सपीरियंस थोड़े से अभी रोड ट्रिप में खराब हुए। बस अब फटाफट थोड़ा सा काम फिनिश करेंगे, डिनर करेंगे और फिर निकलेंगे रायपुर के लिए। सो बेसिकली ऑनलाइन तो होटल्स नहीं अच्छे दिख रहे थे, देन माय ब्रदर फाउंड आउट अबाउट दिस होटल एंड ही सेड कि दीदी शायद वाला होटल नया है तो साफ तो रहेगा, सो यू गाइस गो हैव अ लुक। एंड जब हम एंटर कर रहे थे इस लेन में जिस होटल में हम रुके हैं, उसके जस्ट पहले एक हॉस्पिटल आया और उसकी हालत आप देख लो क्या है। यार मुझे तो पहले लगा कुछ इंटीरियर टाइप का है। फ्रीक। ये देखने के बाद मेरा इतना बुरा मूड ऑफ हुआ, बिकॉज आज भाई साहब अगर हॉस्पिटल की यह हालत है ना शेड्यूल में तो होटल तो मतलब नहीं रह सकते हम। आई वॉज ऑलमोस्ट मेकिंग माई माइंड अप कि अब बिकॉज आई डोंट लाइक टू ट्रैवल एट नाइट, आई वॉज मेकिंग माई माइंड कि मैं खराब होटल में रुकें या वो भी इनसिक्योर हो जाएगा या रात भर ड्राइव करके रायपुर पहुंचे, बिकॉज आई डोंट लाइक टू ट्रैवल एट नाइट। बट ये सोचते सोचते बाय द टाइम वी सॉ द होटल आई वाज सो सो हैप्पी। इनसाइड ऑल्सो इज प्रीटी गुड, डिसेंट है एक्चुअली। सो एंड मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी वॉज सेफ्टी एंड क्लेनलीनेस, वो दोनों है, सो आई एम वेरी हैप्पी। आई विल शो यू गाइज, मैं अब अंदर यहीं से बैठे बैठे दिखा रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। सो दैट्स वेयर वी एंटर्ड फ्रॉम, दिस इज द टीवी, दैट्स वेयर द बाथरूम इज, एन अलमीरा, द बेड वेयर जतिन शाह इज वर्किंग। सो फार दिस इज द अपडेट। अब इसके बाद हमने खाना बनाया है, खाना मंगाया है। वी आर सो टायर्ड कि हम नीचे भी जाने की हिम्मत नहीं रख रहे थे, तो जतिन साइड यही मंगा लेते हैं, फट से वील ईट एंड स्लीप एंड देन मॉर्निंग में क्या होता है शो यू गाइस। डिनर आ गया। सुबह का पहला मील है मेरा। आपने नान ऑर्डर किया था? हाँ मेरा नान था। खाना खाते हैं और सोते हैं, बंद कर देंगे आज का, आज को नहीं कर देते, कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कल रायपुर के लिए निकलते हैं हम लोग तो वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, पर फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। कुछ अगर अपन ने कुछ शो दे दिया एक्साइटिंग तो रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज कल मॉर्निंग में मिलते हैं। ठीक है। कैसा है? छोले भटूरे, पोहे, जूस। Ready to drive for 6 hours again? और नींद आ रही है यार। सोना है और? नहीं अब तो फ्रेश हो। होगा? मैं एक बार आपको 3 बजे ऐसे फ्रेश हो गया। अरे? तो वापस मैं ज़्यादा धीरे-धीरे सो रहा। तो 6 बजे ऐसे फ्रेश हो गया। आप इतनी बार उठे? मैं तो सोई हूँ, पता नहीं उठी नहीं हूँ मैं। बहुत टाइम बाद ये चाबी वाला होटल देखा ना अपन ने, नहीं तो आजकल मोस्टली हर जगह एक्सेस की रहता है।
इसे सही में नहीं टैन होते क्या? सही में नहीं होते भाई, ये जो लॉन्ग ड्राइव वगैरह जो करते हैं ना, ये प्लीज ले लो, ये अमेज़न पे शायद मिलता है, तो एटलीस्ट क्या हाफ स्लीव्स पहनो ना, तो वो नहीं तो कितना गंदा लगता है यहाँ से वो व्हाइट और यहाँ से ब्लैक वैसा वाला। तो देखो यहाँ तक कवर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब डायरेक्ट हीट नहीं आती ना यहाँ पे, तो इसलिए आई थिंक ये बेस्ट है अगर लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं। और अगर इसकी लिंक मुझे मिलेगी अमेज़न पे तो मैं डाल दूंगा, लेकिन मैंने अमेज़न से नहीं लिया था ये, मैंने कहीं बाहर से ऐसे ही लोकली लिया था, पर मिलता है अमेज़न पे। तो आज की ताज़ा खबर यह है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तबीयत कैसी है, तो तबीयत ठीक है मेरी, परफेक्ट है। स्टिचेस के थोड़ा थोड़ा सा वो स्टिचेस दिख रहे हैं मुझे, पर वो मेरे ख्याल से थोड़े दिनों में वॉश आउट हो जाएंगे। अब हम लोग निकले हैं शहडोल से रायपुर के लिए, रायपुर में हम लोग जाएंगे अपर्णा के भाई के घर पे, वहाँ पे थोड़ा सा आराम किया जाएगा। और इस बार हम आकू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं रायपुर में। इस बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आकू सिंह का बर्थडे दो जगह, दैट इज रायपुर एंड देन अगेन विद हर फ्रेंड्स इन पुणे। एंड अभी इतनी ज्यादा हीट पता चलती है कार में, एसी में भी कैसा लग रहा है, बिना एसी के भी आर ट्रैवलिंग। इनफैक्ट रघु कॉल्ड मी अप एंड टोल्ड मी कि दीदी 5th मई से बच्चों की छुट्टी होने वाली थी, बट अभी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड छुट्टी बिकॉज हीट वेव स्टार्ट हो चुकी है रायपुर में। सो इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हॉट, आई एम ड्रेडिंग दिस ट्रैवल। अब पता नहीं कैसे होने वाला है, अभी वी हैव अ लॉन्ग ट्रिप टू डू एवरी वेयर, वी आर जस्ट स्टेइंग 2 to 3 days एंड उसके बाद हम वापस निकल जा रहे हैं, बट ऑलमोस्ट 20-25 days अगेन वी आर आउट। सो आई एम होपिंग वी डोंट गेट कॉट इन द हीट वेव। आप लोग बताओ आप लोग के एरियाज में, वेयर एवर यू ऑल आर स्टेइंग, वहाँ कितनी गर्मी है या वॉट इज द वेदर लाइक, एंड दैट्स बस एनफ फॉर यू। अकल तरह अकल तरह पहुंच गए रायपुर। अब वो मैं पूरी ट्रिप में सोई है सिर्फ, और मैं अभी भी बहुत थकी हुई हूँ। और यार कितने दिन हो गए अपन, कितने किलोमीटर चला लिया अपन, चले ही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पहुंच ही नहीं पा रहे ये तो क्या है, ड्राइविंग करने में मजा आता है इसलिए ठीक है। सीरियसली यार मैं तो नहीं कर पाती, बहुत ही ज्यादा रोड ट्रिप हो गई यार ये वाली। है मम्मा है पानी, रख दी, हाँ रख दी रख दी। फाइनली घर पहुँच गए, बहुत ही जद्दोजहद के बाद पहुँचे, और आई थिंक हम गोना एंड द ब्लॉग यार। और कल वापस मिलते हैं नए ब्लॉग के संग, कल वापस हम लोग को ट्रैवल करना है, थोड़ा सा काम है। सो अभी के लिए ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन टेक केयर। अगू कैसा लग रहा है नानी घर आके? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, तो और क्या क्या किया आपने घर आके? ये क्या है आकू, देखना इसमें क्या रखने का और किस चीज में काम आएगा ये? डैडी बट इमेजिन बीड से बनाया गया ये, व्हाट से भी बनाया गया हो लेकिन किस चीज में काम आएगा बताना। अरे अंदर जगह है ना, क्या रखोगे उसमें? पिंस रख सकते हैं लोग। डैडी इट्स फ्रेजाइल, ओके? Are you serious, Haku? And ये देखिए, ये देखिए, इस पे ये लग भी सकता है। नहीं पर मैं ये सोच रहा हूँ use किस में करोगे आप उसको?
I can put my clips in it.